हमारे चैनल की तरफ से स्वागत है आप लोगों के। आज हम नए नुस्खे, नए वीडियो, नए उपचार के साथ आए हैं। बाल गिरते बालों के लिए घरेलू उपचार, तो आज आपको हम बताएंगे गिरते बालों के लिए घरेलू उपचार। जैसे कि जिसका बाल झड़ जाता है, बाल नहीं ठहरता है और बाल झड़ते झड़ते गंजापन आ जाता है, तो चलो शुरू करते हैं वो जड़ी और वो नुस्खे, वो उपचार। तो सुनिए आप, गिरते बालों के लिए घरेलू उपचार। आज दुनिया के करोड़ों लोगों, चाहे पुरुष हो या स्त्री, बाल झड़ने की समस्या से परेशान है। बालों की देखभाल सही तरह से ना की जाए तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। हालांकि सामान्यतः तो लोगों के बाल झड़ते हैं, लेकिन सामान्य से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो समझे कि समस्या गंभीर है। बाल झड़ने के पीछे तनाव, इन्फेक्शन, हार्मोन्स का असंतुलन, पोषक पदार्थ की कमी, दवाओं की साइड इफेक्ट्स, लापरवाही बरतान या बालों की सही देखभाल ना करना, घटिया साबुन और शैम्पू का प्रयोग आदि कई कारण हो सकते हैं। या फिर हम पेश कर रहे हैं कुछ वो नुस्खे हैं कि बांस का जड़ और जितना जड़ी जो दिखा रही है सबको, दोनों 3-4 जड़ी जो भी है इसको धूप में सुखा के बढ़िया से पीस लीजिए और लेप सी बना के सर पे लगाइए दिन में एक बार। इसी तरह लगाते रहिए एक हफ्ता, आपका बाल झड़ना बंद हो जाए। नंबर एक बालों का गिरना रोकने और बालों की वृद्धि के लिए संपत्ति में, एक बार आपने बालों की वृद्धि बनाने और टूटने से बचाने के लिए बालों को भरपूर पोषण दीजिए। मेहंदी में भरपूर पोषण होता है जो बालों के लिए फायदेमंद है, इसलिए बालों में मेहंदी लगनी चाहिए। मेहंदी को अंडे के साथ मिलकर लगने से भी बहुत फायदा होता है। नंबर 3, बालों को झड़ने का मुख्य कारण शारीरिक गतिविधियों की कमी भी है। नियमित रूप से कसरत या व्यायाम नहीं करने से हमारे अंदर का रक्त संचार कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उन छिद्रों को जहां से बल उगते हैं ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है और बाल गिरने लगते हैं। बालों को गिरने से रोकने के लिए नंबर 16, धूम्रपान और शराब हमारे पूरे शरीर के लिए हानिकारक है। यह हमारे शरीर में ऐसे विषैले तत्व पैदा करते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसलिए यदि आप अपने शरीर और अपने बालों से प्यार करते हैं तो इनके सेवन से पूरी तरह से परहेज करें। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए।